हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। और आज का व्लॉग में हम दिखाने वाले हैं। आज कल हमने बहुत बाइक राइडिंग की थी और बारिश भी थी, तो बाइक ख़राब हो गई थी, तो बाइक को अभी वॉशिंग करने वाले हैं। बाहर वॉशिंग पे जाने वाला था, बट बाहर अभी देखो बारिश हो रही है, सो अभी सोचा कि अभी घर पे ही वॉश कर लेता हूँ। बाद ही थोड़ी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी सर्विस सेंटर किसी ने ओपन किया होगा या अभी ओपन किया होगा, तो मैं वहाँ तक जाऊँगा। यहाँ से मेरे घर से 1-2 घंटे, मतलब 1-2 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाऊँगा तो थोड़ा बहुत मैं भीग जाऊँगा, और मुझे भीगना नहीं है। और आज मुझे दोपहर को 12 बजे ऑफिस भी जाना है, संडे है, फिर भी कुछ काम आ गया है, सो उसकी वजह से। तो अभी सुबह में फ्री था तो मैंने सोचा चलो घर पर ही बाइक वॉश कर लेते हैं। तो चलो आपको बाइक पहले दिखाता हूँ कितनी गंदी गंदी हुई है। देख रहे हो पूरी बाइक अभी मिट्टी मिट्टी हो गई है, क्योंकि क्या होता है रोड पे कीचड़ होता है और पूरी बाइक कीचड़ में, और सर्विस सेंटर वाले ठीक से बाइक सर्विस भी नहीं करते। तो मुझे अगर मेरी बाइक ठीक से सर्विस और वॉशिंग नहीं की होती है तो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं ही वॉश कर लेता हूँ। सो अभी देखेंगे, सो अभी देखते हैं ये कीचड़ कैसे निकलता है और कितनी देर में निकलता है। सो मैं आपको अभी टाइमलेस दिखा देता हूँ कि बाइक कितने टाइम में वॉश होती है। अभी देखता हूँ, मे बी मैं इसके पहले मैंने बाइक एक बार वॉश की थी तो मुझे एक एक 1.5 घंटे लग गया था बाइक वॉश करने में। तो अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं आपको। सो अभी मैंने बाइक को अपने डबल स्टैंड में डाल दिया है पीछे से, अभी वॉश करते हैं। अभी बाइक के पाए बाइक में से पहले सब पाए सारी की सारी मिट्टी निकाल देते हैं, बहुत सारी जम गई है। पूरा भिगा दिया है और इसको भी 2-3 मिनट ऐसे ही रखेंगे भिगी हुई गाड़ी, क्योंकि तब तक मिट्टी है जो सूख गई थी उसको वो गीली होकर थोड़ी क्या बोलते हैं उसको निकलने लग जाए। और उसके बाद अभी प्रेशर से पानी डालेंगे, फिर शैम्पू वैम्पू लगाएंगे गाड़ी पे, और वॉशिंग का पूरा प्रोसेस मैं आपको टाइम लैप्स के जरिए दिखाऊँगा, ठीक है। सो फाइनली गाइस बाइक वॉश कर दी, और टाइम कितना लगा मुझे मुझे टाइम लगा तकरीबन 1 घंटा लगा बाइक का वॉश करने में। और आपको दिखाता हूँ कितनी सारी मिट्टी निकली है बाइक में से, देखो पूरा इधर मिट्टी मिट्टी, इधर भी मिट्टी, और ये ना देखो पूरे 2-3 किलो मिट्टी निकली है इसमें से। और अभी देखो बाइक की चकाचक लग रही है, नीट एंड क्लीन। अभी इसको साफ करेंगे थोड़ा कपड़ा माने के, उसके बाद बढ़िया दिखेगी। चेन भी मैंने बढ़िया से सर्विस कर दी है, अब बाइक लग रही है कुछ नए जैसी। वही बाइक को इधर पार्किंग में इधर लगा दे पंखे के नीचे, ताकि पंखे की हवा से भी थोड़ी बाइक सूख जाए। और थोड़ा कपड़ा भी मैं लगा दूँ, उसके बाद थोड़ा चमचमाएंगे इसको। अब देखो अभी भी बारिश चालू हुई है,
अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश चालू, आज लगता नहीं है कि आज हम बाहर जा पाएंगे। आज सोचा था ऐसा कि एक जगह बढ़िया सा लोकेशन है, वहाँ जाके हम 5-6 राइडर लोग अभी फोटोशूट करने वाले थे और ड्रैग रेस भी करने वाले थे। ड्रैग रेस में शायद थे BMW 310, KTM है मेरा, और मे बी 2 R15 थे, V3 और एक थंडरबर्ड था, उसके साथ ड्रैग रेस थी मेरी। तो आज लगता नहीं है हो पाएगा, फिर देखते हैं, बारिश रुक गई तो हम दोपहर को निकलेंगे। सो गाइस, अभी शाम के 6 बजे और मैं बाइक वॉश करके मैं डायरेक्ट सो गया था, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। कल रात को मैं ठीक से सोया नहीं था और आज पूरे दिन बारिश हुई, तो हम कहीं पे बाहर भी नहीं गए और ज़्यादातर व्लॉग भी नहीं शूट किया। सो आज यहीं पे व्लॉग एंड करते थे, और कल रात जो हमने मस्ती की थी वो मैं अभी इसके बाद वाली क्लिप में वो सब क्लिप्स डाल देता हूँ कि हमने क्या क्या मस्ती की थी, आप देख लेना। सो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।